हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम 3D स्पेक्स के अंदर सीखेंगे किस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, साथ ही साथ लाइन के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली क्या क्या कर सकते हैं लाइन कमांड के थ्रू। बहुत सी चीज़ें हैं जो लाइन कमांड के थ्रू कर सकते हैं, अभी हमें पता नहीं होता। आज का वीडियो देखने के बाद कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए अबाउट लाइन। दोस्तों, कई लोगों को मैंने देखा है, लोग बॉक्स वगैरह यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने भी वीडियो में डिस्कस किया, बट जब उनको बोला जाता है शेप्स के बारे में तो शायद उनके बारे में जानकारी नहीं रहती है। यहाँ पर लाइन होता है और लाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या होता है कॉर्नर और यहाँ पे है वेज। तो आपको समझ नहीं आता कि ये क्या है, ये ड्रैग टाइप है। मतलब जब ड्रैग करेंगे तब वेजर होगा और जब हम लोग यहाँ पे इनिशियल टाइप स्टार्ट करेंगे तो कॉर्नर होगा। मतलब यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये तो देखिए कॉर्नर आ गया, बट जब हम यहाँ ऐसे ट्रेस करेंगे ऐसे ये देखिए वेजर आ रहा है। कैसे पता चलेगा वेजर है? यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ से मूव कमांड लेंगे, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, और फिर आप जैसे वर्टेक्स लेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक एरो आएगा। ये एरो बताता है कि ये वेजर है। वेजर से होता क्या है, इससे अगर आपको उसको एडजस्ट करना है तो इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी वेजर होगा, अब देखिए यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ वो लाइन नहीं है, ठीक है, जहाँ पे भी रहेगा ड्रैग किया आपने तो वो क्रिएट हो जाएगा, इसको बोलते हैं वेजर देयर। इसके बाद अगर हमको यहाँ पे ही फिर से आते हैं हम लोग लाइन पे, और लाइन पे आके अगर हमने इसको स्मूथ कर दिया तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे जाएंगे जैसे इसको ड्रैग करेंगे, देखिए स्मूथ से प्ले रहेगा तरीके से, राइट? ये देखिए स्मूथ से मिलता, इसको बोलते हैं स्मूथ। अगर यहाँ पे हम लोग कॉर्नर कर देंगे और यहाँ पे भी कॉर्नर रहेगा तो ये देखिए दोस्तों आपको सीधे कॉर्नर मिलेगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर स्ट्रेट लाइन बनाना बट बनता नहीं, उसके लिए आप स्किप प्रेस कर दीजिएगा। जैसे स्किप प्रेस करेंगे हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये देखिए स्किप प्रेस की रही है, आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। क्लियर? इस तरीके से शिफ्ट प्रेस करके हम लोग क्लियर लाइन बना सकते हैं। ओके, अभी हमने डिलीट कर दिया दोनों को, यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट किया जा सकता है। और अब हम लोग अगर इसके पास हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर है और यहाँ पे भी कॉर्नर है, ठीक है, और हमने यहाँ से वर्क अपना स्टार्ट किया और यहाँ पर अपने सिर्फ किए कुछ इस तरीके से बनाया और इधर बनाया और फिर हमने चलिए इधर भी बना दिया, इधर फिर इधर ऐसा कुछ बनाया। और अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको एडिट करना है। तो कितने तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं ये हम लोग एडिटिंग सर, इन द सेंस मुझे यहाँ पर कर्व शेप में वॉल देनी है, ठीक है, इसको मुझे थोड़ा बाहर निकालना है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ों के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्पाइन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों आप फुल स्क्रीन यहाँ से कर सकते हैं व्यू टॉगल से, मैक्सिमाइज व्यू टॉगल, व्यू टॉगल बोलते हैं। यहाँ पे आप अगर वर्टेक्स लोगे इस तरीके से, देखिए ये वर्टेक्स सिलेक्ट हो गया, ये वर्टेक्स सिलेक्ट हो गया। अगर आप यहाँ से सेगमेंट लोगे तो ये सेगमेंट, ये सेगमेंट्स, ये सेगमेंट, इस तरीके से आप कर सकते। अगर आप यहाँ पे स्प्लाइन लोगे, स्प्लाइन लेके अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सॉरी स्प्लाइन लेके अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करोगे, देखिए एक साथ सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, सारी लाइन एक साइड सेलेक्ट होगी। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मैंने वर्टेक्स लिया और मैंने एक वर्टेक्स यहाँ पे ऐड, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं एक वर्टेक्स यहाँ पे ऐड कर दूँ जिससे कि मैं इसको बाहर खींच सकूँ। मुझे इसको बाहर खींचना है, मीन्स ऐसे ट्राइंगल शेप में बनाना है। तो ट्राइंगल शेप ऐसे तो बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर वर्टेक्स है ही नहीं। उस केस में आप नीचे आइएगा, आपको यहाँ पर मिलेगा रिफाइन नाम का कमांड, रिफाइन, रिफाइन नाम का कमांड लेके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और फिर उसके बाद अगर आप सेलेक्ट करेंगे इसका वर्टेक्स, इसलिए आप इसको प्रेस कर सकते हैं।
गलती से हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको ब्रेक कर दिया, हमको थोड़ी और जमीन चाहिए, मान लो यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। और ब्रेक करने के बाद क्या होगा, आप यहाँ देखिए ऐसा हमने ब्रेक कर दिया। अब अगर हमको इन फ्यूचर जोड़ना है तो क्या करेंगे, दो कमांड्स हैं जोड़ने के लिए, एक तो है कि बेल्ड कर दिया जाए और एक है कनेक्ट कर दिया जाए। तो पहले हम लोग बेल्ड देखेंगे, उसके लिए सेलेक्ट करेंगे इसको, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेके आएंगे जहाँ पे लेके जाना है। टॉप से करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि टॉप पे दिखाता रहेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे आप पहुंचे हो। अब इन दोनों को हम बेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेल्ड करने के लिए दोनों को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके यहाँ पे बेल्ड नाम का ऑप्शन होता है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अगर ये बेल्ड हो गया होगा तो इसको हटाएंगे तो नहीं हटेगा, बट अगर बेल्ड नहीं हुआ है तो आ जाएगा। बेल्ड नहीं होने के दो तीन रीजन होते हैं, अगर ये काफी दूरी है इससे तो ये बेल्ड नहीं कर पाएगा। तो आराम से इसको मिलाइए यहाँ पे, इसको भी इसे मिलाइए, इतना पास रखिए कि वो डिस्टेंस कवर कर सके आपकी बिल्डिंग। इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि ये काफी ऊपर था और ये काफी नीचे था, अभी भी देखिए डिस्टेंस है। अब दोनों को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके यहाँ पे बेल्ड कर दिया। अब जहाँ तक का चांस है कि हो गया होगा बेल्ड, देखिए बेल्ड हो गया क्योंकि आपने प्रॉपर उसके पॉइंट्स को मिला दिया। इसके बाद दोस्तों अगर मुझे इसको इसे कनेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे आइएगा, आपको मिलेगा कनेक्ट कमांड, और कनेक्ट कमांड लेके इस यहाँ पे कनेक्ट के कमांड देखिए यहाँ पे होगा, और कनेक्ट कमांड लेके हम इसको अटैच कर सकते हैं। कनेक्ट कमांड फर्स्ट पॉइंट ट्रेस करके सेकेंड पॉइंट पर क्लिक करना रहता है, जैसे ट्रेस करके देख के बना देंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपको यहाँ पे फिलेट शेप देना है, मतलब ऐसे फिलेट देना है, पहले तो कनेक्ट को यूज करने को बंद कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ होता है फिलेट, तो पहले आप वॉटेज को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर फिलेट यहाँ पे डायरेक्ट बढ़ाते जाइए जितना भी फिलेट आपको चाहिए, इस तरीके से इसको हम फिलेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद चैम्फर पर क्लिक कर दिया, जैसे चैम्फर पर क्लिक कर दिया इस तरीके से देखिए चैम्फर हो जाएगा आपका। हम ये सब कर क्यों रहे हैं, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इसको वॉल बनाएंगे, इसको वॉल बनाना बड़ा ही आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है रेंडरिंग पर क्लिक करना है, इनेबल इन रेंडर, इनेबल इन व्यू पोर्ट, जैसे ही करेंगे और यहाँ पर रेडियल शेप दे देंगे और इसको रेक्टेंगल बनाएंगे, देखिए इस तरीके से आपके सामने ये एज ए वॉल आ जाएगा, राइट। आपको यहाँ पर कर्व से वॉल चाहिए था, कर्व में आ गया। ग्रिड को ऑफ करने के लिए यहाँ पर कभी हमने इसको टॉप में चले गए, यहाँ पे क्लिक कर पर्सपेक्टिव में चले जाइए, और अगर हमको ग्रिड को क्लिक करना है तो जी क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर ग्रिड क्लिक हो गया, और एल्ट दाब के इसको हम लोग एल्ट प्रेस करके घुमा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर शेप आ गया, यहाँ पे चैम्फर शेप आ गया, यहाँ पे कनेक्ट के थ्रू देखिए कनेक्ट हो गया। ये सारी चीजें हम लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन कमांड। फिर से हमको बंद करना है, फिर से कोई चेंजिंग करनी है, इसको बंद कर दीजिए इस तरीके से, और ये इस तरीके से शेप्स आपके पास आ जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी था, आपको कैसा लगा ये मुझे बताइएगा नीचे कमेंट में। क्या आप चाहते हो कि हम यहाँ के सारे शेप्स के बारे में डिस्कस करें, कितने लोगों को जो प्रॉपर सीरियस है जिनको सीखना है, जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं होगी कमेंट करना, हम सॉफ्टवेयर अवेलेबल करा देंगे। लेकिन अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, क्योंकि मुझे चेक करना है कि कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, अगर आप
काफी लोग होंगे, तो मैं कंप्लीट बनाने की कोशिश करूंगा कि एक वन बाय वन करके हफ्ते में एक एक दो दो वीडियोस ला के आपको पूरा का पूरा सिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग को उनको शेयर करो। और एक चीज और आपको बोलनी है, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो प्लीज हमारे एक और चैनल है यूनिक सिविल, सॉरी यूनिक आकाश, उसको इसी चैनल पे आप सब्सक्रिप्शन चेक कर सकते हैं, अदरवाइज सर्च करके उसको भी सब्सक्राइब कर लें। वहां से मुझे फायदा ये होता है कि कुछ इकोनॉमिक सपोर्ट वहां से हो जाता है, तो क्योंकि अभी इसमें मेरे पास टीम भी है तो टीम को भी कुछ ना कुछ तो मुझे भी स्पेंड करना पड़ता है टीम के लिए। तो अगर कुछ मुझे वहां से आता रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से एजुकेशन वीडियोस बनाता रहूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि गूगल की तरफ से एजुकेशन वीडियो पे कोई भी अमाउंट नहीं है, मीन्स ना के बराबर है, लेकिन टीम को तो उतना ही पैसा लगेगा। इसलिए हमने दूसरा भी एक चैनल खोला हुआ है, तो उसमें हम लोग न्यूज और जो भी कई ढेर सारी एक्टिविटीज करते हैं। आप एक बार चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए और प्लस देखिए वीडियो और बताइएगा कि मेरा जो दूसरा टैलेंट है वो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।